हेलो, आई एम रुपेश कुमार, आई एम एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग स्पेसीज के आगे पढ़ेंगे, जो जीनस आता है, जो हमारा जीनस टॉपिक आता है। ठीक, ये एनसीईआरटी के एनसीईआरटी बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, तो हम सीधा एनसीईआरटी फैक्ट्स को लाते हैं और वहां से ही हम आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करते हैं। तो नीचे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एनसीईआरटी जीनस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। हमने बताया था आपको कि स्पीसीज बहुत सारा स्पीसीज का कैरेक्टर से मिलेगा तो वो जीनस बनाएगा, तो बस वही बोल रहा है ये कि जीनस क्या है। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज जिसका कि कैरेक्टर्स कुछ कॉमन होता है, उसका जो ग्रुप होगा वह क्या कहलाएगा, जीनस कहलाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, मतलब दूसरे जेनरा, जब जेनरा अलग हो जाएगा, जब जीनस अलग हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि स्पीसीज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। हम लोग नीचे एग्जांपल दिया है, उसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो थ्योरी कहता है उसको भी हम लोग एक बार देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेटेड, मतलब होता है समूह, एग्रीगेटेड मतलब जमा, समूह, एग्रीगेटेड और क्लोजली, काफी सिमिलर, क्लोजली मीन्स काफी सिमिलर जो है रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि ये हमारा जेनरा जीनस जो है वो एग्रीगेटेड है, समूह है, जमावड़ा है, किसका, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का। क्लियर। अब नेक्स्ट है एग्जांपल में, पोटेटो एंड ब्रिंजॉल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। निश्चित है पोटेटो सोलनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजॉल सोलनम मेलुंगिना आर टू डिफरेंट स्पेसीज, बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलनम। हम लोग इससे पिछला वीडियो में भी चर्चा किए थे और इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे और क्लियर हम लोग इसको समझेंगे। नेक्स्ट है लायन के बारे में। लायन पैंथेरा लियो, हम लोग सब आदमी जानते हैं इस बात को, लियोपार्ड पैंथेरो पाडोस एंड टाइगर पैंथेरो टिग्रिस with several common features are all species of the genus Panthera। हम लोग नीचे वाले एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से देखते हैं। क्या कह रहा है, सोलनम ट्यूबरोसम पोटेटो है, सोलनम मेलोंगिना ब्रिंजोल है। हम क्या देख रहे हैं, ये स्पेसीज भले अलग हो लेकिन दोनों का जेनरा क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्पेसीज का जो कैरेक्टर्स हैं ये दोनों में कॉमन है, इसीलिए उसको एक ही जेनस में रखा गया है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ स्पीसीज, ये दोनों जो स्पीसीज अलग अलग है लेकिन इसका कुछ कैरेक्टर्स जो है दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसको सोलनम में और इसको भी सोलनम में रखा गया है। नेक्स्ट आइए पैंथेरो टिग्रिस, शेर जैसा, टिग्रिस मीन्स होता है शेर जैसा, टिग्रिस टाइगर का नाम है, हिंदी बाघ होता है, पैंथेरो पाडोस लियोपार्ड तेंदुआ और पैंथेरो लियो अर्थात लायन शेर, यानी शेर जैसा कौन होता है, बाघ, तेंदुआ भी वैसा ही दिखता है, तो सबका कुछ कैरेक्टर्स एक है इसीलिए उसको पैंथेरो जीनस में रखा। लेकिन बिकॉज ये इसमें कुछ डिसिमिलरिटीज भी है, इसीलिए डिसिमिलरिटी की वजह से और असमानता की वजह से इसको नाम भी स्पेसिज भी क्या दिया, अलग अलग दिया। लेकिन अलग अलग स्पेसीज में रहते हुए भी कुछ कैरेक्टर्स जो है कॉमन है, इसीलिए इसको एक जीनस में रखा गया। स्टूडेंट्स, हम लोग इस आज के क्लास में हम लोग ने जीनस को पढ़ा, नेक्स्ट हम लोग फैमिली को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपके पास ढेरों समय है, हम प्लस वन को भी स्टार्ट कर ही रहे हैं, प्लस टू को भी स्टार्ट करेंगे, आप मन लगाकर पढ़िए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेहिचक कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स के जरिए मैं आपकी समस्या को सुलझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप हमारे, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो आप
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।